सोने में जंग क्यों नहीं लगता? इस ब्लड ग्रुप के लोगों को मच्छर ज्यादा काटते हैं। हवाई जहाज में यात्रियों के लिए पैराशूट क्यों नहीं होता? भारत के अपराधी ब्रिटेन में ही क्यों शरण लेते? आज के इस वीडियो में आप ऐसे ऐसे फैक्ट्स को जानोगे जिसे देखने के बाद आपके मुंह से केवल एक ही वर्ड निकलेगा, वाव। नंबर एक, सोने में जंग क्यों नहीं लगता? सोना एक निष्क्रिय धातु है, यह वायुमंडल में उपस्थित किसी भी गैस क्रिया को नहीं करता। किसी भी धातु में जंग तब लगता है जब वह धातु वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि हर धातु के ऑक्साइड का रंग अलग होता है। लोहा ही एकमात्र ऐसी धातु है जिसका ऑक्साइड लाल भूरे रंग के होते हैं, जिसे हम जंग कहते हैं। सोना आकृति रूप में शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जब इसके आभूषण बनाए जाते हैं तब इसमें पीतल, तांबा और इरिड मिलाया जाता है, क्योंकि शुद्ध सोना कठोर नहीं होता। आपको बता दें, इन धातुओं को मिलाए जाने पर भी आभूषण को बनाया जाता है, इसलिए आभूषण कुछ समय बाद अपनी चमक खो देता है, क्योंकि उसमें उपस्थित अन्य धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करना अपना बंद कर देती है। लेकिन उन ऑक्साइड का रंग लाल भूरा नहीं होता, वो इसलिए क्योंकि सोना में कभी लोहा नहीं मिलाया जाता है, तथा इन दोनों की कठोरता में भी सोना अधिक अंतर होता है, इसलिए सोने में कभी जंग नहीं लगता है। नंबर दो, किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को मच्छर ज्यादा काटते हैं? मनुष्य के शरीर में बह रहे खून में से मच्छर एक विशेष ग्रुप के खून को पहचान लेते हैं और उन्हीं की तरफ से ज्यादा आकर्षित भी हो जाते हैं। एक रिसर्च में देखा गया कि मच्छर ओ ग्रुप वाले व्यक्तियों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि खून के चार प्रकार होते हैं, ए बी और वो बहुत ही कम लोगों का ब्लड ग्रुप होता है। इस प्रकार के खून में कुछ खास प्रकार के तत्व तो पाए जाते हैं जो मच्छरों को आकर्षित करते हैं। आमतौर पर वो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति दूसरे लोगों के लिए बहुत ही सहायक साबित होते हैं, क्योंकि वो ब्लड ग्रुप वाले लोग किसी को भी अपना खून दे सकते हैं। नंबर तीन, हवाई जहाज में पैसेंजरों के लिए पैराशूट क्यों नहीं होते? दरअसल पैराशूट से कूदना और उसे ग्लाइड करते हुए सुरक्षित स्थान पर लैंड करना एक पेशेवर ग्लाइडर का काम होता है। इसमें बहुत तकनीक जानकारी और क्षमता होनी चाहिए। एक आम इंसान से हम यह उम्मीद नहीं कर सकते, वह इतना कुछ समझ पाएगा और समय आने पर उसका अनुसार भी कर पाएगा। प्लेन में जब आपातकालीन दरवाजे की घोषणा होती है तब उसे कई लोग नहीं सुनते हैं। अगर पैराशूट दिया भी जाए तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। दूसरी बात, आपातकालीन स्थिति में कितना समय लगेगा यह कहना बहुत मुश्किल है। कभी कभी तो कुछ ही सेकंड में प्लेन का नोज ड्राइव की उपस्थिति में आ जाता है। प्लेन की गति पर इतना कुछ निर्भर करता है कि इतना समय भी नहीं मिल पाएगा कि लोग भागकर आपातकालीन दरवाजे तक जाएं। एक और बड़ी समस्या होती है ऊंचाई के अनुभवी में। अनुभवी पैराशूट 15,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाता है, वहीं पैसेंजर प्लेन 3,000 से 35,000 फीट की ऊंचाई पर बढ़ते में इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन बिल्कुल ना के बराबर होता है और बहुत ठंड भी होती है। वो यदि कूद भी गया तो ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो सकता है और तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे होता है, जीवित रहना भी मुश्किल हो सकता है। नंबर चार, भारत के अपराधी ब्रिटेन में ही क्यों शरण लेते हैं? दरअसल भारत के अपराधी ब्रिटेन में इसलिए छिप रहते हैं क्योंकि भारत और ब्रिटेन में कानून प्रणाली लगभग एक जैसी है। भारत और ब्रिटेन की कानूनी जानकर दोनों देशों के कानूनी को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, जिससे भागकर गए व्यक्ति को बहुत अधिक फायदा होता है। भारत और ब्रिटेन 1992 में 73 संधि पर हस्ताक्षर किए थे। पिछले साल भारत ने ब्रिटेन को 57 भागोड़ों की लिस्ट में सौंपी थी और ब्रिटेन ने भी भारत को 17 भागोड़ों की लिस्ट में सौंपी थी। अब सवाल यह है कि ब्रिटेन में ऐसा क्या है कि भारत के लोग
वहां अपराध करके ब्रिटेन में जाकर छिप जाते हैं। इसके कई कारण हैं। ब्रिटिश मानव अधिकार का आयोग दुनिया की और देशों में मानव अधिकार का आयोग से ज़्यादा सख्त है और मानवीय पहलू को समझने वाला माना जाता है। यदि ब्रिटेन की अदालत को लगता है कि प्रत्यर्पण के बाद शख्स को भारत में मौत की सजा होती है या राजनीतिक कारणों का प्रत्यर्पण किया जा रहा है, तो वह प्रत्यर्पण को आग्रह को खारिज कर देता है।